रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुमैरास क्रिएशन। आज हम बना रहे हैं ठंडे दूध की बोतलें। गर्मी बहुत है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक मज़े की ठंडे दूध की बोतलों का बनाओ। इसमें हमारी जाएंगी 2 लीटर हमने दूध लिया है, और एक हमने लिया है, ये हमने लिया 200 ग्राम हमारा ये खोया है, 4 टेबल स्पून हमारे पास शुगर है, और बादाम हमारे पास, आलमंड है हमारे तकरीबन 40 हैं, उनको मैंने क्रश कर लिया है, और 40-50 के करीब ही हमारे पिस्ता था उसको भी हमने क्रश कर लिया है, ज़ाफ़रान है पिंच एक, और ये ग्रीन जो है कार्डिमम, हरी इलायची पाउडर है, ये हम डालेंगे इसमें, और दूध 2 लीटर है। और अब हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। हमने ये पैन में 2 लीटर हमने डाल दिया है मिल्क। अब ये हल्का सा हो रहा है, बॉयल हो जाए ये थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको हमने करना है थिक, ये थोड़ा सा हमने इसको करना है, उसके बाद हम इसमें खोया डालेंगे। अभी इसको हमने फ्लेम ऑन किया है और इसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया। ये दूध बॉयल हो रहा है और इसको हम अब थोड़ा सा थिक करेंगे। गर्मियों में इस ठंडे दूध की बड़ा मज़ा आता है, बादाम और ज़ाफ़रान और इलायची वाला, जब आप ठंडा ठंडा ये पियेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये दूध बॉयल हो रहा है, ये देखें, इसके हमने फ्लेम को हल्का कर दिया। इसमें हमने डाल दिया खोया, अब ये खोया इसके अंदर जाएगा और इसको ठीक करेगा। कुछ तो वो वैसे ही गाढ़ा हो चुका हुआ था, बॉयल होने के बाद पक रहा था, ये देखें यहाँ तक था, इतना नीचे आ चुका है, ये काफ़ी ठीक हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, ज़रा खोया इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से, फिर इसमें हम ज़ाफ़रान और शुगर ऐड करेंगे। काफ़ी ठीक हो चुका है दूध, उसमें हमने 4 टेबल स्पून शुगर डाल दी है, इसी में हमने इलायची पाउडर भी डाल दी है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस और ज़ाफ़रान डालेंगे इसमें, ये देखें ज़ाफ़रान से कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया। ज़ाफ़रान से ये बड़ा प्यारा सा येलो येलो सा दूध का कलर हो रहा है। इसमें हम हाफ पिस्ते डाल देंगे और इसमें हम बादाम डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा पकने देंगे इनको। क्योंकि जब तक ये बादाम और पिस्ता इसमें नहीं पकेगा तो उसका टेस्ट बादाम और पिस्ते का दूध में नहीं आएगा। इसे हम 5 मिनट पकाएंगे, और क्योंकि हमारा दूध ये जो है खोए वाला ये अच्छा थिक हो चुका है, तो अब इसको बनाने के बाद हम इसको 5 मिनट पकाने के बाद बादाम और पिस्ते के साथ ज़ाफ़रान के साथ इसे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ये बहुत ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको बॉटल्स में डाल देंगे। ये दूध अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा ये ज़रा सा टेम्परेचर इसका लो होता है, ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर हम इसको बॉटल में डालेंगे और सर्व करके दिखाएंगे।
बड़ा अच्छा सा हो गया, ये देखें ठंडा भी हो गया है बादाम वाला। इसमें हम सबसे पहले बड़ी बोतल में डालेंगे पिस्ता और थोड़ा सा डालेंगे हम बादाम, उसमें हम डाल चुके हैं पहले, छोटी बोतल में भी डालेंगे। पिस्ता डालेंगे बाद, चलें ये डालेंगे हम बादाम और पिस्ता बोतलों में। दूध में तो हमने पहले से काफ़ी सा बादाम और पिस्ता डाला हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा हम डालेंगे गार्निशिंग के लिए। देखें हम अब बड़ी बोतल में भी डाली है, एक वो दूसरी भी भर ली है और इसमें डाल रहे हैं ये बादाम पिस्तों वाली और ज़ाफ़रान वाली। ये आप बना के देखें, बड़ा मज़ा आएगा। गर्मियों की ये सबसे अच्छा तोहफा है आपका। ये हम लास्ट वाली भरने लगे, इसके बाद जब ये ठंडी होती है तो हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ठंडे दूध की बोतलें हमारी रेडी हो चुकी हैं, बड़ी ज़बरदस्त से ठंडी भी हुई हैं। बादाम पिस्ता खोया ज़ाफ़रान वाली, ये देखिए कितनी थिक सी ज़बरदस्त सी ठंडी हो गई, कितनी अच्छी हो चुकी हैं ये देखिए। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे YouTube चैनल हुमैरास क्रिएशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, सेव लाइव्स एंड ट्राई माई रेसिपीज़।